आने की क्या बर्तन लाओगे तुम लोग? एक थाली नहीं ला सकते हो, एक ग्लास नहीं ला सकते हो? पूछे ना कि पानी कहाँ मिलता ला देगा लोग, मतलब कहीं नल वाल चापाकल कहीं होगा? चापाकल है, जल पानी खावत जल चापाकल नल। रानू दी के पास पीने का पानी भी नहीं था, चप्पल बटन और भी लेके आओ इसमें ला देगा इसमें। तो चापाकल कहाँ है पानी? अरे वो तो उधर है, उधर से नहीं दुकान से ये बोला पीने के लिए पानी बोल रहा। अच्छा मतलब पीने के लिए हम लोग थोड़ा ज्यादा मतलब ज्यादा देने में ढेर अलमारी भी है पर ठंडा पानी लाए थे वो, पहले पानी पी बहुत खुशी हुई, पानी पी के बहुत खुशी। उम्मीद लगा के बैठी थी कोई ना, आज तो सुबह से कोई भी नहीं आया, सुबह कोई नहीं आया, हम ही लोग ही आए, सिर्फ हम ही लोग आए। फोटो ले लेंगे जल्दी जल्दी, फोटो ले ले, फोटो हम लोग ले लिए, फोटो फोटो लो जो पीने मन करे पी लीजिए, आप ही का सब सब आपके लिए, सब आपका। बड़ा नहीं मिला ना ये बोलो, छोटा ही मिला, वो दुकान में नहीं था, नहीं ना छोटा ही दिया, छोटा ही दिया था देख लिए, आपको ला देंगे सामने सब, तो आपको पता चल गया आप सबके क्या क्या कमी है, क्या क्या बोर्ड है। तो कैसा लगा गाइस अपने रानू दीदी से मिलने? और चलिए अब गाना, एक रानू दीदी गाना गाएगी सबके लिए प्यारा सा, तेरी मेरी कहानी जो उनका फेवरेट है। जो फेवरेट और एक तो कौन सा था, स्टेशन में वायरल हुई थी, मेरा बड़ा ऐसे बना दो बोलो, सब कोई मिलके फोटो लेते चलो, एक लिया फोटो हम लोग ले लिए उनका बदन में देख सकते हैं आप लोग, वो मतलब नाइटी पहनी है तो आधा घुटना तक पहनी है, क्योंकि आधा मतलब फाड़ दिया, क्योंकि उनके पास लकड़ी भी नहीं था कुछ मतलब जलाने के लिए था, तो खुद का कपड़ा फाड़ के वो खाना हो गया, मतलब कुछ कुछ बनाते थे। उसके बाद उनका सर बहुत ज़्यादा घूमने लगा, क्योंकि कुछ खाई नहीं थी, पानी और बिस्किट में थी, इसी वजह से तो हम लोग बोले कि बैठो आप लोग, आप बैठिए मतलब एक जगह बैठ जाइए आप पंखा में, क्योंकि उनका सर बहुत ज़्यादा घूमने लगा, चेयर में बैठी हुई थी, हम लोग उनसे बात कर रहे थे, वो समझा रहे थे उनको, तो कैंडल भी ला के दिए, इतना उनके पास ज्यादा कपड़ा नहीं है, तो उसके बाद उनको चाय पीना था, तो चाय के लिए फिर बाहर में भाभी चूल्हा जला रही थी, तो यहाँ हम बात कर रहे थे और फिर बाहर में चूल्हा जलाया जा रहा, भाभी जला रही थी, फिर उसके बाद हम लोग समझा दिए उनको, उनको बोले कि आप बैठ रही है, तो वो फिर भी हम देखेंगे कैसे बना रहा है क्या बना रहा है, भाभी जला दी थी आग यहाँ पे, और जलाने के बाद वो बोल रही थी कि आपने ऐसा मत जलाइए, मैं ऐसे नहीं जलाती हूँ, बर्तन गंदा हो गया बोल रही थी, तो हम लोग उतना माइंड नहीं किए, छोड़ो वो उनके हिसाब से उनको जैसा अच्छा लगता वैसे ठीक है, तो फिर वो अपना तरह से तरीके से जलाने लगी, तो सोमनाथ भी अंदर में ब्लॉग शूट कर रहा था, तो हम सोच रहे थे पंखा चल ही रहा है, थोड़ा सा हम वहाँ पे मतलब ठीक रहते, क्योंकि हम लोग बहुत देर से गर्मी में बाहर खड़े थे, कभी बारिश हो रहा था कभी धूप हो रहा था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, मौसम भी बहुत ख़राब किया हुआ था इसी वजह से, तो चलो रानू दीदी के लिए चाय बन रहा है गाइस, देखिए बहुत लकड़ी हो जा रहा, धीरे धीरे दो हो गया, नहीं एक एक करके खत्म होगा फिर देना, खत्म होगा फिर देना, दूध उबल जाए, चीनी चापाटा दबा, आधी दूध बेर को लेटिए
তুমি শুধু নিজের জন্য চা বানাও, ঠিক আছে? আমরা তো কেউ খাবো না, তুমি নিজের জন্য চা বানাও। তুমি দু তিন টাইম খাও, আমরা তো বাইরে খেয়ে নেবো, তুমি তো কোথাও তো যেতে পারবে না, না তুমি দু তিন টাইম চা বানিয়ে বানিয়ে খাবে, ঠিক আছে? তুমি খাও, তুমি এটা খাও, তুমি খাও। ধুমা হতো ধুমা সে তুম লোক রুটিয়া দেখে দাও খালি সিলিন্ডার দেখে যায়গা হ্যাঁ এবার ঠিক হবে না রুকজা দেখে যাও গিয়ে তো সিলিন্ডার নিয়ে সকতে কম চিনি না বেশি চিনি হ্যাঁ না চিনি কত দেব মালুম নেই আমাকে মালুম নেই মজা মত করছো এটা জুলুম মত করো ওটা তাকলে পড় দেবো এরা হয়ে গেলে বহুত শাম হয়ে গেছে চলো চলো কিছু মতলব সোমনাথ সোমনাথ জাদা ওভারহিটিং কর রা লাগ রা দেখ দিমাগ খারাপ কর রা মতলব হাম লোক এক গানা সুননা চাহতে তো গানা সুনেগে বোলে তো সোমনাথ ওর ক্যা বোলেন ছোড়ো নাই বোলেন দিমাগ খারাপ হোক উজা কে তো ডরাওনা লাগ রা উজা কে তো সাপ সব ঘুসা হোক ধোঁয়া পরি কব চাই লা খরিদ লা দো লা দো খরিদ কে রানী কত কাম কর রই ছাতি ছাড়নে স্পেশাল ও চায় বহুত আচ্ছা বানাতি ছোড় দাও আপনি লে লেন।